दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल की नॉइज पे। अभी IPO जो आ रहे हैं मार्केट में, देखिए अभी कुछ ही दिनों में बहुत सारे IPO मार्केट में आए, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, IRM NRG ये सब भी हैं, मतलब इससे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और टाटा टेक्नोलॉजीज़ का भी IPO आया है जो कि ज़बरदस्त एक बोल सकते कि मार्केट में डिमांड है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के IPO का। IRM NRG का डिमांड था, जैसे IPO आया तो डिमांड जो इसमें कम होता है और इतने को मिल रहा है, क्योंकि शेयर जो कुछ खास तेज़ी नहीं दे रहा है। SF का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर IPO देखते तो उसमें जो शेयर में तेज़ी बना, फिर गिरावट बना, फिर से जो स्टॉक अभी एक तेज़ी बन रहा है, फिर से इसमें गिरावट बना, मतलब इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हमें थोड़ा सही लगता है, क्योंकि इसका अगर देखेंगे तो बिजनेस बहुत ज़्यादा माइक्रो लोन्स में इसका बहुत ज़्यादा डीलिंग है। माइक्रो लोन्स में बोल सकते कि मार्केट में जो एक तरीके से ये एक लीडर है, इस स्मॉल फाइनेंस माइक्रो लोन्स में मार्केट में एक लीडर है, तो शेयर का प्राइस भी कम है। तो इस वीडियो में हम लोग IRM NRG और इस स्मॉल फाइनेंस, ये दोनों जो IPO आए हैं उसके बाद, मतलब या फिर बोल सकते कि IPO आया है, ये दोनों कंपनी का फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे, मतलब IRM NRG और इस स्मॉल फाइनेंस। IRM NRG का शेयर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इस स्मॉल फाइनेंस का शेयर प्राइस कम है, तो दोनों का हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे। और आप बताइए आपको कौन सा शेयर लेना है, या फिर आपको कौन सा शेयर, इस स्मॉल फाइनेंस या फिर IRM NRG, मतलब IRM NRG आपको लेना है या फिर इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर आपको लेना है, या फिर कोई भी शेयर आपको इसमें से नहीं लेना है, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे जो भी अपडेट्स है दोनों कंपनी को लेके, शेयर को लेके, वो आपके साथ शेयर किया जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल पे ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों पहले यहाँ पे पहले मतलब जो IRM NRG उसको लेके समझते हैं। IRM NRG का मार्केट कैप 1924 करोड़ का है, करंट प्राइस है इसका 469 रुपीज़ का, स्टॉक पी 34.2 का है। एंड यहाँ पे बात करते हैं डिविडेंड, तो फिलहाल अभी जैसे मार्केट में लिस्ट हुआ है अभी तक कुछ डिविडेंड नहीं है। ROCE 17.8% का है, ROE 21.9% का है। अभी IRM NRG का कंपनी का यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स। कंपनी जो है IRM NRG हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, इसका लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं, जहाँ पे IRM NRG जो है 130% इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है CAGR। वही कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक जो कि 3 ईयर्स का है, ROE 39.7%। तो यहाँ पे बोल सकते कि फिलहाल IRM NRG फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। IRM NRG केस में देखेंगे तो जैसे कि अगर देखते हैं तो अभी पीयर्स, मतलब जो कंपनी का बोल सकते कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था अभी Q2 2024 का, उसमें IRM NRG का सेल्स ग्रोथ घटता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 230 करोड़ से घट के 220 करोड़ का हुआ था। एक्सपेंसेस 188 करोड़ से घट के 178 करोड़ हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ही है 42 करोड़ का, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है वो भी उतना ही है 34 करोड़ का है। एंड दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट है 28 करोड़ के आसपास का है। तो अभी IRM NRG कंपनी का मतलब ये करता क्या है कंपनी, कंपनी तो IRM NRG के आपने IPO में ले लिया है या फिर अलॉटमेंट में आपको शेयर मिला रहेगा, या फिर अगर देखते हैं तो इसका जो है IRM NRG का जो है शेयर अपने आपके पास रहेगा। तो ये जो कंपनी है IRM NRG, ये एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और 2015 में IRM NRG को बनाया गया था। और कंपनी जो है एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर लेइंग, बिल्डिंग, ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंडिंग सिटी और लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन जो इसके कुछ स्टेट्स हैं, गुजरात, पंजाब एंड जो यहाँ पे बाकी है दीव, एंड जो इसका जीड जो कि यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव का है, एंड इसका जो और एक अभी तमिलनाडु पे बिजनेस शुरू कर रहा है। तो 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर फिर एक्सक्लूसिव राइट्स रखता है गैस डिस्ट्रीब्यूट करने का। अभी यहाँ पे इसका अगर देखेंगे IRM NRG का जो बोल सकते कि बिजनेस हुआ है, तो आप देख सकते जहाँ पे CNG से IRM NRG को 2022 में 51% का जो रेवेन्यू आया था, और वही 2023 में 42.5% का रेवेन्यू आया है। तो CNG से इसका रेवेन्यू थोड़ा घटता हुआ देखने को मिल रहा है। वही PNG से बात करते हैं जो कि 2022 में रेवेन्यू था 49% का, और वो घट के हुआ है 2023 में, माफ़ कीजिए, वो बढ़ के हुआ है 2023 में 57.5% का। अभी कौन से स्टेट से इसको कितना बिजनेस मिलता है IRM NRG को, गुजरात से 37.5% का जिसका रेवेन्यू हुआ है,
पंजाब से 58% का रेवेन्यू हुआ है, दमन एंड दीव से 4.5% का रेवेन्यू हुआ है। तमिलनाडु में अभी ये बिजनेस आगे चल के शुरू करेगा। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ जो टोटल जो इसका वॉल्यूम है वो 45.69 MMCM अभी है। अभी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आईआरएम एनर्जी को जो है कुछ रिकग्निशन भी मिला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं अवार्ड मिला है, जहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोइंग कंपनी है। मतलब आईआरएम एनर्जी का अगर देखते हैं, जैसे कि ये इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है कुछ स्टेट्स में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसको जो है अवार्ड भी मिला है। जो आईपीओ आया था 545 करोड़ का आईपीओ था, शेयर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अभी यहाँ पे देखते हैं अभी इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर जो आया था, शेयर का प्राइस ज़्यादा नहीं था, और अभी भी देखेंगे तो शेयर का प्राइस जो उतना कुछ खास तेज़ी नहीं दिखाया। इसका मार्केट कैप इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का देख सकते हैं, जो कि 3508 करोड़ के आसपास है, जो कि बोल सकते हैं कि आईआरएम एनर्जी का जो मार्केट कैप है उससे बहुत ज़्यादा है इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप। करंट प्राइस 68.2 का है, 68.20 पैसे का है। हाई प्राइस इसने 74.80 का बनाया था, लो प्राइस दिया था 67.50 पैसे का। मतलब जो बोल सकते हैं करंट, मतलब इसका जो इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो शेयर का प्राइस है वो आईआरएम एनर्जी के शेयर के प्राइस से बहुत कम है। स्टॉक पी 11.6 का है, आरओसी 7.71% है, आरओई 19.4% का है। तो अभी यहाँ पे इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कुछ चीज़ें हैं, जहाँ पे आपने देखा है जो आईआरएम एनर्जी है उसका सेल्स ग्रोथ वगैरह बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.2% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। अभी आईआरएम एनर्जी का हम लोग यहाँ पे थोड़ा अभी जो इसका Q2 2024 का रिजल्ट आया था उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो रेवेन्यू देखिए जो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 899 करोड़ से बढ़ के 943 करोड़ का हुआ है। वही दोस्तों एक्सपेंसेस की बात करते हैं, 505 करोड़ से घट के 487 करोड़ हुआ है। एंड इसका जो प्रॉफिट है 81 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़ का हुआ है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 174 करोड़ से बढ़ के 188 करोड़ का हुआ है। नेट प्रॉफिट 130 करोड़ से बढ़ के 140 करोड़ हुआ है। तो आईआरएम एनर्जी का नेट प्रॉफिट वगैरह उतना कुछ खास जंप नहीं हुआ है, वही दोस्तों इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेट प्रॉफिट वगैरह में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। अभी यहाँ पे इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसको अगर देखते हैं, मतलब जो इसको 1992 में स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया था, एंड यहाँ पे अगर देखते हैं तो उसके बाद जो है इस ब्रांड जो हैज़ बीन बिल्ड ओवर मोर देन 27 ईयर्स बिगिनिंग 1995। तो बहुत पुराना कंपनी बोल सकते हैं, जो माइक्रो लोन्स में जो है इसका एक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब माइक्रो लोन जो है ये ज़्यादातर प्रोवाइड करता है। और इसका जो मेन फोकस रहता है इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है रूरल एरियाज़ में। एज ऑफ देख सकते हैं 2023 का अगर देखेंगे, जून 30 का, जहाँ पे इसका जो ग्रॉस एडवांसेस टू देयर कस्टमर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन सेंटर्स अकाउंटेड फॉर 62.97% ऑफ एडवांसेस एंड 71.71% ऑफ देयर बैंकिंग आउटलेट्स। तो इसके रूरल एरिया में जो है कस्टमर्स ज़्यादा है। अभी प्रोडक्ट जो है, जैसे कि आईआरएम एनर्जी इसका सिर्फ गैस का बिजनेस है, गैस जो है लोकल गैस वगैरह ये सब डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करता है। तो अभी यहाँ पे जो इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में है तो इसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। तो बैंकिंग में जो है माइक्रो लोन्स में डील करता है, एंड जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स एंड अदर माइक्रो लोन्स है। एंड इसके अलावा देखेंगे तो रिटेल लोन्स है, व्हिच इंक्लूड्स गोल्ड लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, पर्सनल लोन्स एंड व्हीकल लोन्स। एमएसएमई में देखते हैं, एमएसएमई लोन्स है एंड लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीकल्चर लोन्स है। अभी दोस्तों बात करते हैं इसका जो मतलब लाइबिलिटीज़ है, जहाँ पे लाइबिलिटी पोर्टफोलियो में देखेंगे, जो कि करंट अकाउंट्स है, सेविंग्स अकाउंट्स है, टर्म डिपॉजिट है एंड रिकॉर्डिंग डिपॉजिट है। अभी इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर देखेंगे पूरे इंडिया में इसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, जो कि 700 आउटलेट्स है इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का। लेंडिंग अकाउंट 0.37 करोड़ का है, डिपॉजिट अकाउंट 0.68 करोड़ का है। अभी इसका देखिए एयूएम जो है, जहाँ पे इसका फाइनेंशियल 2022 में माइक्रो लोन से लाइक माइक्रो लोन का था 81%, वही फाइनेंशियल 2023 में जो इसका माइक्रो लोन से उसका देख सकते हैं आप जहाँ पे हुआ है 75% का। वही दोस्तों बात करते हैं जो रिटेल लोन है, रिटेल लोन में फाइनेंशियल 2022 में 12% का था और वो बढ़ के हुआ है 16% का फाइनेंशियल 2023 में।
एमएसएमई लोन की बात करते हैं जो कि 1% का था फाइनेंशियल 2022 में, और फाइनेंशियल 2023 में भी 1% लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि 3.5% था फाइनेंशियल 2022 में, और फाइनेंशियल 2023 में भी उतना ही है 3.5%। अभी एग्रीकल्चर लोन जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि फाइनेंशियल 2022 में 2% का था और फाइनेंशियल 2023 में वो बढ़ के 4% हुआ है। इसके पास अगर देखेंगे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 767 कस्टमर सर्विस सेंटर्स से, 700 बैंकिंग आउटलेट्स से, 22 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स से, 2116 बैंकिंग एजेंट्स से, 525 बिजनेस फैसिलिटर्स है एंड 559 एटीएम्स है जो कि 21 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में है। तो बिजनेस आईआरएम एनर्जी का ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट्स में ही है, पूरे इंडिया में इसने बिजनेस फैला के रखा है, साउथ से ज़्यादा बिजनेस होता है फिलहाल इसको अभी। तो आईआरएम एनर्जी जो कि कुछ स्टेट्स में लिमिटेशन है इसके बिजनेस, आईआरएम एनर्जी का जो बिजनेस है कुछ स्टेट में इसके लिमिटेड है, वो 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सोल राइट्स लेके बैठा है और वह पे वो अच्छा खासा बिजनेस करता है। और वही दोस्तों इसे स्मॉल फाइनेंस जैसे कि बैंकिंग है, ये बैंकिंग सेक्टर में है तो इसके पास प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा है और बहुत सारे मतलब बोल सकते कि ज़्यादातर मतलब स्टेट्स है जहाँ पे ये बिजनेस करता रहता है। तो दोनों में से आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, आपको कौन सा कंपनी का शेयर इसे स्मॉल देने के लिए, आईआरएम एनर्जी और इसे स्मॉल फाइनेंस का, दोनों का थोड़ा डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए ताकि आपको समझ में आए कि दोनों कंपनी कैसा है और दोनों का शेयर में क्या चल रहा है, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से पर जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।